इंडिया से भी तो पाकिस्तान अंजू गई है, वो तो बड़े गावज आ करके बड़े खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जब ये सीमा हैदर आ गई है तो यहाँ के जो लोगों को कुछ मिर्ची लगी पड़ी है, विरोध कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि गोली की जगह डोली आई है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए और वो अपने सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आई है। लेकिन यार वो कागज के थ्रू गई है, लीगल तरीके से गई है अंजू, ये अनलीगल, यही कौन सी अनलीगल आई है यहाँ पर? ये भी कम से कम उसने टिकट तो कराया है, चलो वीजा नहीं है तो टिकट तो लेकर के आई है वो। नहीं तो नेपाल तक था ना टिकट? नेपाल तक तो वो वीजा, नेपाल तक तो वो वीजा से गई है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक वो आई है, लेकिन मोहब्बत के खातिर आई है और मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अगर मोहब्बत के चक्कर में जासूस फंस गया मामला, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है, जैसे उसके बयान है, जो उसने पहले बयान दिया है आज भी उसके बयान वही है, और वे कहती है कि चाहे मेरा किसी भी प्रकार का टेस्ट करा लिया जाए, नारकोटिक्स करा लिया जाए, एजेंसियों से करा लिया जाए, और यदि मैं किसी तरह से दोषी पाई जाती हूँ तो मुझे जेल में डाल दो, और यदि मैं ठीक हूँ तो फिर मुझे यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। हाँ ये तो वो कह रही है, लेकिन कितना सही कह रही है कितना गलत वो तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो वो तो एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी बता रही है, अभी ATS ने जांच की है जिसमें उसको क्लीन चिट मिली है, किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं। अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली खैर। नहीं चलो नहीं मिली तो मिल जाएगी, सचिन से लगातार पूछताछ कर रही है, सचिन से लगातार पूछताछ हो रही है, कोई भी ऐसा क्लू सामने नहीं आया है, यदि आता तो फिर उनको छोड़ा ही नहीं जाता। तो आप ये चाहते हैं कि जिस तरह अंजू को वहाँ लेकर वहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर भी दिखाई दे, स्वागत करना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को सहयोग करना चाहिए ताकि वह अपना यहाँ पर गुजारा कर सके, गुजारा कर सके। क्या नाम है? सुब्रम मीणो। मीणो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? जीप ललका रहे हैं अभी। हाँ जी मैं कहना चाह रहा हूँ यहीं पर और यहीं की ऐसे नागरिकता मिले, ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों नागरिकता क्यों मिले? ये जासूस नहीं है सर। अच्छा। और जासूस ATS ने जांच कर ली, जासूस होती तो ये चार बच्चों को लेकर इंडिया क्यों आती? अच्छा। हाँ जी जान की बाजी खेल कर आई है और लोग बाग कह रहे हैं कि जासूस, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, नहीं लग रहा जासूस, कुछ नहीं लग रहा। कोई भी एजेंट यदि किसी देश में आता है तो जिस देश से आता है उस देश का कोई भी व्यक्ति या सरकार ये नहीं कहती कि ये हमारे यहाँ का है, और सीमा के फेवर में वहाँ सभी लोग खड़े हैं कि जी हमारे यहाँ की लड़की है, हमारे यहाँ की है, तो एजेंट होती तो वो क्यों स्वीकार करते? वो तो बुला रहे हैं। नहीं तो एजेंट नहीं है ना वो, तभी तो बुला रहे हैं, यहाँ पर जासूस होने का उन पर दावा किया जा रहा है, तो तभी तो वो बुला रहे हैं कि वो एजेंट नहीं है, दोषी नहीं है किसी भी तरीके से। तो आप यहाँ पर बहुत स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? सीमा हैदर जो आपके यहाँ पर आई। वीरेंद्र नाम। वीरेंद्र जी सीमा हैदर जो यहाँ पर आई है क्या कहते हैं? बताओ क्या कहें यार, आइए तो स्वीकार कर रहे हैं हम तो। हाँ क्या कह रहे दादा, सीमा हैदर जो आई है तो क्या कहेंगे? सीमा हैदर मत बोलो, मीणा बोलो, मीणा। अच्छा हैदर हटा दिए। हाँ सीमा मीणा। अच्छा सीमा मीणा होगी, लेकिन जांच चल रही है ना अभी? तो जांच चल रही है, वो चलने दो, अगर गवर्नमेंट जो सरकार करेगी वो होगा, और नहीं तो वो स्वीकार तो हमने कर ही ली, कर ली, कर ली। अच्छा मीणा लगा दिया उसके नाम के पीछे। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषि पाल सिंह है जी, बोलिए। क्या कहेंगे ये जो मामला चल रहा है इस समय आपके गांव में? देखिए ये सभी आपके सामने हैं जो मैटर है, और आगे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? हाँ जी। लेकिन जासूस को लेकर शक है? देखिए जासूस उस सिलसिले में हमारी जो जांच कमेटी हैं और जांच एजेंसियां हैं वो सब अपने काम में व्यस्त हैं, हर एंगल से उसकी जाँच कर रही हैं। धन्यवाद। तो ये थे गांव के लोग जिनका कहना था कि अब वो सीमा मीणा है, सीमा हैदर नहीं है, और उसको गांव वाले बहुत स्वीकार कर चुके हैं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं।